सर यहाँ से आंखों का अंदाजा लगाएं, वो असली और नकली और नस्ली सब पहचान लेते हैं। चलें जरा। अच्छा, वो जो अजीम आपकी बात का जवाब ये है कि वो मीठी ईद होती है जो छोटी ईद होती है, बड़ी नमकीन नमकीन, इस लिहाज से हमने मेन्यू सेट किया। लेकिन मिठाई तो खा सकते हैं ना, वो तो कभी भी बिल्कुल खा सकते हैं। आज आपको मिठाई खिलाएंगे फिर गाना सुनेंगे। लेकिन फिर तो टिक्का बोटी, सीख कबाब, चिली कबाब, उन्हें चलाने के बाद हाँ क्यों नहीं है, तमाम है। जन्नत ने जिस अंदाज में टिक्का बोटी कहा है ऐसा लगता है कि जैसे टिक्का बोटी करना चाहिए। अच्छा, हमारे बहुत से एंकर्स खबरें भी ऐसे पढ़ते हैं जैसे वो टिक्का बोटी कर रहे हो। ऐसे ही पढ़ते हैं ना आप? ऐसे पढ़ती हैं महान? क्या सोचती हैं जहन में खबरें पढ़ते हुए कि क्या कर रही हैं आप? मेरे जहन में तो ये होता है कि जैसी खबर है उसको फुल ऑफ एक्सप्रेशन, वो जैसी खबर है उसको वैसे अदा किया जाए। अगर टिक्का बोटी वाली है तो टिक्का बोटी, एंटरटेनिंग है तो एंटरटेनमेंट के तौर पर, और अगर थोड़ी हार्श है तो हार्श अंदाज में, उसमें सेंटिमेंट्स डालती हैं, सेंटिमेंट्स ऐड, मलका जज्बात बनके। यस ऑब्वियसली महा मोर जज्बात ना हो, मैं तो टोटली जज्बात हूं, फुल ऑफ जज्बात। एंकर्स भी तो अदाकार हैं ना, स्क्रीन पर आते हैं अदाकारी करते हैं। अच्छा, लेकिन जिशान बिल्कुल नहीं करते अदाकारी। मैं नेचुरल हूं, नेचुरली नॉन एक्ट, नेचुरल नॉन अदाकारी करते हैं। कुछ न्यूज़ एंकर्स मेथड एक्टर्स हैं। व्हाट डज दैट मीन, एक्सप्लेन हमारी आम पब्लिक टर्मिनोलॉजी। लाइक हम लोग न्यूज़ एंकर ही बन जाते हैं, बन जाते हैं न्यूज एंकर, सपोज टू बी सीरियस पर्सनालिटी के एक बड़ा संजीदा बिजनेस है। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल है एक्टिंग बिजनेस, वेरी नाइस। एवरी प्रोफेशन इज अ बिजनेस, हां, इज अ बिजनेस। अरे मुझे भी ऐसा लगता है, घर पे ये भी पूछते होंगे ना कि क्या पका है आज, तो वो बेगम समझती होगी कि ये कोई खबर ही सुना रहा है। अच्छा, ये एक्सपीरियंस मैंने खुद इस लिहाज से किया हुआ क्योंकि मैंने भी बहुत अच्छा न्यूज पढ़ी है ना, तो कभी मोबाइल पे फॉरवर्ड मैसेज में कोई जोक आ जाता है तो फिर आप घर वालों को सुना रहे हो, तो मेरी बहनें मुझे बोलती थी बच्चों बस रहने दो हम खुद पढ़ लेंगे, क्या खबरें सुनाने शुरू कर दी हैं, तो वो आपका लहजा बन जाता है। आई थिंक अब वक्त के साथ साथ चीजें बदलती जा रही हैं, आपको एक्सप्रेसिव भी होना चाहिए। आप अगर दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने उसमें चीजें ऐड करेंगे तो उस तरह से आप अदायगी कर सकेंगे। अच्छा जी, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ऐसे ही ब्रेक पे जाते हैं। अच्छा, ऐसे ही ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक के दौरान गाना याद आ रहा था, एक रंगी है तू रंगों से भी ज्यादा, सुना है आपने? हाँ, नहीं सुना। एक्चुअली मैं समझा था कि शायद ईद शो में हर सवाल का जवाब हाँ में देना होगा, इसलिए मैंने कहा कि हाँ मैं साबित करूं कि मैं भी बहुत मॉडर्न चीजों से बड़ा इंटरेस्टेड हूं। हाँ, मुझे मैंने सुना नहीं। मुझे ऐसे लगता है मुझे एंकरिंग के साथ साथ होस्टिंग के साथ साथ अभी साहब को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, कोचिंग भी करनी जी, पड़ेगी कि होस्ट कैसे बनते हैं। बहरहाल, गाना मुझे इसलिए याद आया कि मेरी राइट साइड पे एक बहुत ही रंगीन चीज़ मौजूद है, दिस इज़ काइंड ऑफ डार्ट गेम। इसमें इसकी डिटेल्स ये हैं कि जो हमारे पास रंगीन लोग इस तरफ रंगीन मिजाज निकाले हैं, रंगीन लोग बैठे हैं, आप लोग इस पे निशाना लगाएंगे। इसको डार्ट ही कहते हैं? जी जी बिल्कुल, इसको ये वो सुई है जिससे ये गुब्बारे फोड़े जाते हैं। लेकिन इसके लिए जहाँ तक मुझे पता है, जो प्रोड्यूसर ने बताया था वो ये था कि खास फासला भी मेंटेन करना है। जी बिल्कुल, वो क्या है? ये जो यहाँ पर हमें कशिश मरकज़े शक्ल दिखाई दे रहा है, अच्छा फोकल पॉइंट, इस पे खड़े होके आपने निशाना बांधा। अच्छा चलिए जी, ये इतना बड़ा बड़ा निशाना है, निगाहें हो वहीं पे निशाना मारना। नहीं, निगाहें आप कहीं और, आपके दिल की बात मैं समझ रहा हूँ। लेकिन ये पॉइंट बड़ा वैलिड है कि कहीं और निगाहें रखते हुए निशाना लगाएं, देखे कहाँ लगता है। लेकिन ये भी याद रखें, जो लगेगा वो सुई है। और वो क्या है, सुई लगी और कोई बेटा, वो कुछ और बात होती है। अच्छा, यहाँ गुब्बारे की जगह कैमरामैन फूट जाए। हैरत की बात ये है कि इतना बड़ा बड़ा इन्होंने गुब्बारा रखा है जी जी, और इस सुई से अगर ये गुब्बारा नहीं फूटता तो मेरा ख्याल है जिससे ना फूटे उसको जुर्माना होना चाहिए। उसको हाँ जी, अब बिस्मिल्लाह कौन करेगा? वैसे पता नहीं, एक मेरे अंदर एक ख्वाहिश बड़ी, एक आपका अपना चल रहा है वैसे कि आप पहले फोड़े, अभी तक अभी तक ऐसे लग रहा है कि आप ये करना चाह रहे हैं, आप स्टार्ट करें, यस कर लो, आपका फेवरेट कलर जो है वो नहीं है ना, इसमें ब्लैक है। अच्छा जी, चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी, ये पीले वाला जी। Very nice.
ये वैसे आपने एक तीर से दो शिकार किए हैं। इसमें क्या लिखा है? इस पर्ची में लिखा हुआ है, इस पर्ची में लिखा है चाहत फतेह अली खान के शिकार ने ABC सुनाया। अच्छा, मुझे ये अंदाजा नहीं था कि गुब्बारा फोड़ने का अंजाम क्या होगा। मेरे भाई मैं दो गुब्बारे और ले आऊं, मुझे माफ कर दे। मतलब माफ सर, अब माफी नहीं है, आपने शिकार कोशिश करके देखे, कोशिश तो करें, ट्राई करें सर, ट्राई सर। अच्छा, चाहत फतेह अली खान में एक सबसे जो मुझे दो बातें जो बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि एक तो उनका कॉन्फिडेंस और दूसरा उनका बेसुरापन। अच्छा, बेसुरापन में तो मैं मुकाबला कर सकता हूँ, उस पर बेशर्मी। देखिए, बेसुरापन में तो मैं मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनके कॉन्फिडेंस का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन चाहत फतेह अली खान के स्टाइल में ABC सुनाए, और सिर्फ ABC सुनानी है। ABCDE Yes, ये चीज़ very nice है। ये जो ABC है, हाँ, ये जो ABC है, ये कितनी प्यारी ABC है। ये जो ABC है, ये जो ABC है, कितनी प्यारी ABC है। ये जो ABC है, कितनी प्यारी ABC है। मतलब ये style, all the way from सुनो। चले अब आप जरे आपको दावत दें। अच्छा, जरे आप नीले रंग का गुब्बारा फोड़ना है मैंने। अब जाहिर है तुम्हें पूरी आप फरमाइश करें। अगर कुछ जी? करना नहीं चाहती तो ना फोड़ना। नाइस स्ट्रेटजी, करना कभी हो जाए किसी को नॉमिनेट कर देंगे, आपकी जगह लतीफा को सुना दे, कोई और भी आपकी बचत हो सकती है। अजीम बहुत अच्छा सुना, अजीम बहुत अच्छा लतीफा सुना सकता है। लतीफे मैंने भी गेम खेला। अच्छा, लतीफा तो नहीं, मुझे मुश्ताक अहमद यूसुफी की बुक में दो लाइनें मैंने पढ़ी थी, मुझे याद है। यही तवक्को थी किताब का नाम लोगे सर, सुने तो सही था सर। वो बड़ी मजे की लाइन कहते हैं कि अपनी बीवी से रोमांटिक बात करना ऐसे है जैसे बंदा वहां खारिश करे जहां खारिश ना हो रही हो। आप भी थी सुनाई इन्होंने। अच्छा बेटे, अब इसी चक्कर में आ जाओ यहाँ। जी मेरी बारी है। जी आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए। डार्ट किधर है? ये डार्ट। अच्छा, मैं इसको सुई समझ रहा था, लेकिन चलो ये डार्ट है, इसको भेजने के लिए। सॉरी, बल्कि एक सेकंड, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ। एक दफ़ा मैं एक बड़ी अंग्रेजी मीडियम कंपनी में काम करता था, तो वहाँ पर मुझे किसी ने कहा कि हबीब तुम मफिन खाओगे। मैं बड़ा हैरान हो गया कि मफिन क्या चीज़ है। मैंने कहा पहले मुझे दिखाओ ये क्या। अच्छा, उसने अंदर से निकाला तो वो कप केक था, तो मैंने कहा हाँ खा लो। कहता तो तुम, जब मैंने मफिन कहा, आजकल वो बड़े बहुत बड़े अदाकार हैं, तो उन्होंने कहा, कहने लगे कि जब मैंने तुम्हें मफिन कहा तो उस वक्त तुमने, मैंने कहा मुझे पता नहीं था। तो कहते इसको सरगोधा में फिर क्या कहते हैं। मैंने कहा कश्ती केक।